नमस्कार दोस्तों, आज इस लेसन में आप लोगों को आरती सिखाऊंगा, ओम जय जगदीश हरे। और ये आरती हम गिनती के माध्यम से सीखेंगे। इसमें टोटल आपके 8 स्वर यूज होंगे पूरी आरती में। पहला स्वर 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर, 3 नंबर स्वर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 स्वर यूज होंगे, यानी कि धा नी सा रे गा मा पा धा। हर एक लाइन की नोटेशन आपको वीडियो में डिस्प्ले होती रहेगी। और मेरा आपसे दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आरती बड़ी आसानी से बजाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन के बोल हैं ओम जय जगदीश हरे। तो कैसे? ओम जय जगदीश हरे। पहले स्वर लिपि, फिर गिनती के माध्यम से देखिए। सा 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 नी सा रे। अभी गिनती के माध्यम से तीन 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 दो तीन चार। सिंपल। सो अभी दूसरी लाइन देखते हैं। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। अभी इस लाइन को गिनती के माध्यम से देखते हैं, फिर स्वर लिपि के साथ। चार पाँच छः सात सात आठ सात छः पाँच छः चार। अभी स्वर लिपि के साथ रे गा मा पा पा धा पा मा गा मा रे। तो ये आपकी दूसरी लाइन है। अभी तीसरी लाइन है भक्त जनों के संकट। उस लाइन देखते हैं। भक्त जनों के संकट। अभी इस लाइन को गिनती के साथ चार पाँच छः छः पाँच चार तीन। रे गा मा रे सा। सिंपल। अभी चौथी लाइन है दास जनों के संकट। तो ये लाइन बिल्कुल सेम आपकी पहली लाइन के जैसी बजेगी, जैसे आपने बजाया भक्त जनों के संकट। दास जनों के संकट। सिंपल। चार पाँच छः छः पाँच चार तीन। रे गा मा गा रे सा। सिंपल। देन इसके बाद शन में दूर करे। शन में दूर करे तीन तीन चार तीन दो तीन 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 चार तीन दो तीन। सा सा रे गा गा सॉरी सा सा रे गा रे सा नी धा। सा सा रे गा रे सा नी धा। उसके बाद स्थाई पाठ की आखिरी लाइन ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। रे 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 गा रे सा नी सा। चार 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 पाँच चार तीन दो तीन। अगर आपने इतना सीख लिया तो समझिए आपने आधी आरती सीख ली। तो अभी अंतरा पाठ देखते हैं। जो धावे फल पावे। कैसे? रे सा सनी रे सा सनी रे सा सा। अभी गिनती के माध्यम से चार तीन तीन दो चार तीन तीन दो चार तीन तीन। सिंपल है। एक बार दफा फिर से देखते हैं। चार तीन तीन दो चार तीन तीन दो चार तीन तीन। ठीक है जी। अभी उसके बाद आगे वाली लाइन है अंतरपाठ की दुख बिन से मन का। दुख बिन से मन का। अभी स्वरलिपि के साथ पापा मामा गा रे सा रे। अभी गिनती के माध्यम से सात सात छः छः पाँच चार तीन चार। सिंपल है। फिर से देखते हैं। सात सात छः छः पाँच चार तीन चार। दुख बिन से मन का। सिंपल। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन है स्वामी दुख बिन से मन का। वो शुरू होगी यहाँ से पासे। स्वामी दुख बिन से मन का। अभी स्वर लिपि के साथ पा 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 धा पा मा गा रे सा रे। पा 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 धा पा मा गा रे सा रे। अभी गिनती के साथ सात 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 आठ सात छः पाँच चार तीन चार। सात 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 आठ सात छः पाँच चार तीन चार। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन सुख संपत्ति घर आवे।
सुख संपत्ति घर आवे। अब इस लाइन को देखते हैं गिनती के साथ, चार पाँच चार पाँच छ छ छ पाँच चार पाँच चार तीन, सुख संपत्ति घर आवे। अब स्वर लिपि के साथ रे ग रे ग मा 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 ग रे ग रे सा, चार पाँच चार पाँच छ छ छ पाँच चार पाँच चार तीन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का, तीन चार चार पाँच चार तीन दो एक, तीन चार चार पाँच चार तीन दो एक, कष्ट मिटे तन का। ठीक है जी, फिर उसके बाद आखिरी लाइन, ओम जय जगदीश हरे, चार 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 पाँच चार दो तीन दो, चार 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 पाँच चार तीन दो तीन, रे 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 ग रे सा नी सा। सो इस तरीके से आप आरती सीख सकते हैं। ये मैंने गिनती और स्वरलिपि के साथ इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप गिनती के माध्यम से समझाइए, हमें गिनती के माध्यम से इजीली समझ में आता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें स्वरलिपि के माध्यम से समझाइए कि हमें स्वरलिपि के माध्यम से इजीली समझ में आता है। सो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरीक़ों से बता दिया, स्वरलिपि के साथ भी और गिनती के साथ भी। जो लोग गिनती के साथ सीखना चाहते हैं वो गिनती के साथ भी सीख सकते हैं, जो लोग स्वरलिपि के साथ सीखना चाहते हैं वो स्वरलिपि के साथ भी सीख सकते हैं। सो बड़ी मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरह आरती को बड़े आसान तरीके से सिखाया जा सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जैसे जो और भी लोग हैं सीखना चाहते हैं आरती को हारमोनियम के ऊपर बजाना, तो बड़ी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से वो सीख सकते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह सजेशन में कमेंट में आप कमेंट लिख के बताइए कि आपको कौन सी चीज़ गिनती और स्वरलिपि के माध्यम से सीखना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।